हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, आई एग्जाम बी के इस चैनल एसएससी बी पर आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स और रेलवे रिलेटेड एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड चैनल है। तो आपको अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रेलवे रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो हमारे चैनल एसएससी बी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको मिल जाती हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा लाइव क्लासेस, साथ ही साथ आपको मिल जाते हैं कुछ नोट्स, कुछ पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है एसएससीबी और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के मेमोरी बेस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। इसमें हम रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। साथ ही साथ आपको इस पूरी वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी होंगे और इस पीडीएफ में आपको कंप्लीट 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वर्ड आएगा वो हमें इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर डी आई एम ए, साथ में है एन एस डब्ल्यू के, तो देखते हैं क्या रिलेशन है। पहले इनका नंबर लिख लेते हैं, डी आई एम के, इनका नंबर देखते हैं। देखिए आप सीरियल नंबर इनके लर्न कर लीजिए, जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उनके सीरियल नंबर आप लर्न कर लीजिए। उनका सबसे अच्छा तरीका सीरियल नंबर को लर्न करने का है कि आप एक स्लिप बना लीजिए जिसपे आप ए टू जेड सभी नंबर लिख लीजिए और कहीं भी आप जाएं या किसी भी चीज को आप देखें, जैसे हमने ये आई एग्जाम भी देखा, तो हम क्या करें, जो भी इनके वर्ड्स हैं, जो भी इनके अल्फाबेट्स हैं, हम उनका सीरियल नंबर एक बार देखें, राइट। जैसे इसमें आई है तो 9, एक्स है तो कितना 24, राइट, ए है तो 1, एम है तो 13, इस तरह से इनके सीरियल नंबर हम लर्न करते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको ये सब अल्फाबेट्स के सीरियल नंबर आपको याद हो जाते हैं, राइट। देखिए डी आई एम ए, डी आई एम ए, डी इज 4, आई इज 9, एम इज 13 एंड ए इज 1, ठीक है। एन एस डब्ल्यू के देखते हैं, तो एन इज 14, एस इज 19, W is 23 and K is 11. So students, हम देख पा रहे हैं there is an increase. यहाँ पर एक increase है plus 10. ऐसे यहाँ पर एक increase है plus 10, यहाँ पर भी एक plus 10 है और यहाँ पर भी एक plus 10. तो हम देख पा रहे हैं कि plus 10 वाली सीरीज यहाँ पर चल रही है, तो ऐसी B J G T को ले लेते हैं, B J G T, B is 2, J 10, G 7 और T होता है 20. तो प्लस 10 करें तो 12, 20, 17 और अगर 20 में प्लस 10 करें तो आता है कितना 30, बट 30 अल्फाबेट्स तो होते नहीं, अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, तो ये कितना बचा 4, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4. तो 12 हम जानते हैं क्या होता है, L, 20 होता है T, 17 होता है Q और 4 होता है क्या हमारा D, तो L T Q D, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जी एस इक्वल्स टू 13, सो एल डी किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो जी एस की बात कर लेते हैं, जी का सीरियल नंबर 7 और एस का सीरियल नंबर 19, ठीक है। तो 19 और 7 हम देखें, अगर 19 प्लस 7 इज व्हाट 26 और 26 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है 13, राइट। तो ये हमारा 13 सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह से हम एल डी को देख लें, अगर एल डी कितना होता है हमारा, एल होता है हमारा कितना 12 और डी कितना होता है 4, तो 12 प्लस 4 इज 16, 16 बाय 2 यानी कि कितना आ जाएगा 8, ये हमारा 8 इसका ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट बी इज 16, सो एफ इज व्हाट, सो बी की बात करें तो बी का सीरियल नंबर होता है 2। अब 2 को 16 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 टू द पावर 4, बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज व्हाट 16, राइट, 2 टू जर 4, 4 टू जर 8, 8 टू जर 16, सो वी नीड टू डू पावर 4, यानी कि हमें पावर उसकी 4 करनी है। तो f का अगर देखें, f का सीरियल नंबर कितना होता है 6, 6 टू द पावर 4 यानी कि 36 इंटू 36, 1296, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द आंसर, क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ स्क्वायर निकालने की, जो भी 50 से कम नंबर है उनके स्क्वायर निकालने की। जैसे हमने यहाँ पर 36 का स्क्वायर देखा, क्योंकि 6 होता है
सिक्स टू द पावर फोर मीन्स सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स दैट इज 36 इंटू 36। तो एक फटाफट से देख लेते हैं 36 का स्क्वायर निकालने के लिए, पहले हम देखेंगे कि 36 50 से कितना कम है, तो कितना कम है ये 14, तो हम 25 में से 14 को माइनस करें, 25 में से 14 माइनस करें तो कितना आएगा 11। अब देखिए हमने कितना माइनस किया 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब इनको प्लस कर लीजिए तो कितना हो गया 6, 9, 2 और 1, ये इसका स्क्वायर। राइट, तो एक छोटी सी ट्रिक है ये 50 के कम नंबर्स के स्क्वायर निकालने के लिए। आप देखिए 50 में से कितना कम है, उतना ही नंबर आप 25 में से कम कर दीजिए, और जो आपने कम किया उसका आप स्क्वायर करके लास्ट टू डिजिट एज इट इज, और जो थ्री डिजिट होगा वो सेकंड वाले में ऐड हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए NLYQS और V एंड वी आर सिक्स मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ये एक परिवार के छह सदस्य। Q इज नॉट द मदर ऑफ L बट L इज द सन ऑफ Q, यानी कि Q L की माता नहीं है लेकिन L Q का पुत्र है। अब अगर Q उसकी माता नहीं है तो डेफिनेटली क्या होंगे, उसके फादर होंगे, किसके, L के, और L उनका क्या है, सन। राइट, प्लस साइन हम डिनोट कर रहे हैं सन के लिए यानी कि मेल के लिए, और माइनस साइन हम ले रहे हैं किसके लिए, माइनस साइन हम ले रहे हैं फीमेल के लिए। करेक्ट, सो क्यू इज द फादर ऑफ एल हो गया, सीधी सीधी सी बात है। उसके बाद देखते हैं एन और क्यू आर अ मैरिड कपल, एन और क्यू क्या है, एक विवाहित युगल है यानी कि एक मैरिड कपल है, तो यहां पर क्यू प्लस एन। राइट, सो क्यू के साथ क्या होना जाएगा, यहां पर हमारा एन हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, सो क्यू एन क्या है, अब जब क्यू मेल है तो ये क्या होंगी, डेफिनेटली फीमेल होंगी, ये एक हमारा मैरिड कपल होगी। इसके अलावा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है एस इज द ब्रदर ऑफ क्यू, सो क्यू का ब्रदर कौन है, एस। राइट, वी इज द ब्रदर ऑफ एल, और वी किसका ब्रदर है, एल का। ठीक है, उसके बाद देखें वाई इज द डॉटर ऑफ एन, यानी कि वाई एन की पुत्री है, तो एन का पुत्री यानी कि वी और एल की क्या हो जाएगी, वो सिस्टर हो जाएगी भाई, वी और एस की क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। राइट, तो इसमें जस्ट अ मिनट, तो वाई इज द सिस्टर ऑफ वी एंड एस। राइट, अब हमसे देखिए क्या पूछा है, हाउ इज वी रिलेटेड टू एस, वी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए वी ये और एस ये, यानी कि एस का वी क्या हो गया, एस के भाई का बेटा, यानी कि एस का क्या हो गया, भतीजा, तो ये क्या हो गया, नेफ्यू इज द आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पर्सन पी से यात्रा शुरू करता है एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ईस्ट वर्ड्स, और 3 किलोमीटर कहां चलता है, पूर्व की ओर चलता है, तो एक बना लेते हैं एन ई डब्ल्यू और एस, तो यहां से इसने मान लीजिए स्टार्ट किया बीच से और वो 3 किलोमीटर किस तरफ चला, ईस्ट की तरफ वो 3 किलोमीटर चला। राइट, और यहां पर किस पॉइंट पर आ गया, वो क्यू पॉइंट पर वो आ जाता है। एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल थ्राइज द डिस्टेंस टू रीच आर, अब वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है और आर तक पहुंचने के लिए उस दूरी की तीन गुनी यात्रा करता है, यानी कि अगर उसने यहाँ पर 3 चला था तो वहां पर वो कितना चलेगा, 3 × 3 दैट इज 9 किलोमीटर। तो यहां से वो लेफ्ट टर्न हुआ और उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 9 किलोमीटर, किस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, आर पॉइंट। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, दोबारा वो बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस चली और वो एस पॉइंट पर पहुंच गए, तो यहां से लेफ्ट हम मुड़े और यहां से कितने डिस्टेंस, टोटल 15 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और वो पॉइंट एस पर पहुंच गए। हमें क्या बताना है, हमें बताना है शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इस पॉइंट से और डेस्टिनेशन पॉइंट यानी कि एस पॉइंट, तो ये डिस्टेंस हम देख लें कितना हो जाएगा, ये 9 है, ये भी कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर। और अगर इस डिस्टेंस की बात करें यहां से यहां तक, तो ये पूरा 15 है और ये पूरा 3 है, तो 15 - 3 यानी कि ये इतना हो जाएगा हमारा 12 किलोमीटर, और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, मान लीजिए हमने इस पॉइंट को ओ मान लिया, तो यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि ओ एस स्क्वायर इक्वल्स टू टी एस स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। राइट, सो ओ एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी एस यानी कि 12 स्क्वायर और ओ टी यानी कि 9 स्क्वायर, तो ये 144 + 81 यानी कि
225, ये किसकी वैल्यू आई, ओ एस स्क्वायर। ओ एस की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर इज आवर आंसर। राइट स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज केस हिटिंग न्यू, केस हिटिंग न्यू को कैसे लिखा जाता है, इस कोड में लिखा जाता है। एंड केस पैनल सर्वर सेवरल इज रिटन एज दिस, केस पैनल सेवरल को इस तरह से लिखा जाता है। तो उसी कोड में सेवरल पार्ट्स न्यू को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तीन हमें स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद हमसे पैनल का कोड पूछा। तो इसमें हम कंप्लीट फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इस तरह का। अगर हम देखें तो इस तरह का हमारे पास ये एक ही क्वेश्चन है, तो हम इसमें सभी की वैल्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ जिसमें पैनल पैनल कॉमन है हम उन्हीं को लेंगे। तो हम देख लेते हैं पैनल एक इसमें है, लेकिन और किसी स्टेटमेंट में हमारे पास पैनल नहीं। तो हम देखेंगे सात वाले जो पैनल के सात वाले जो वर्ड्स हैं क्या वो किसी में कॉमन है। तो हाँ, केस हमें फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में कॉमन मिल रहा है, तो इसमें देख लेते हैं इसमें कोड कौन सा कॉमन है, एक्स जेड। डेफिनेटली एक्स जेड तो इसका कोड नहीं है, राइट। इसके बाद देख लेते हैं सेवरल, तो सेवरल लास्ट वाले स्टेटमेंट में है, और कोड की बात करें तो जेड आर एम एस कॉमन कोड है, तो इसको भी कट कर देते हैं। तो क्या कोड बचा, किट, और वर्ड क्या बचा, पैनल। तो पैनल का कोड क्या हो गया, किट, राइट स्टूडेंट्स। इसमें हम चेक कर लेंगे अगर उसके ग्रुप्ड क्वेश्चंस हैं, चार पांच ग्रुप क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं जो कि मेनली बैंकिंग एग्जामिनेशंस में मिलते हैं, एसएससी में हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है इस तरह का, तो हम सॉल्व उसको नहीं करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहीं से सिर्फ वो वर्ड्स देखेंगे जो कॉमन है, और उनके बेसिस पर एलिमिनेशन से हम उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद कन्फर्म इन इज रिटन एज ए पी एल जी जी एस के, कन्फर्म को देख लेंगे। इसको इन्होंने क्या लिखा, ए पी एल जी जी एस के, ठीक है। ओके, तो परफेक्ट को क्या लिख पाएंगे हमें ये देखना है। तो पहले उसमें हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं कि कन्फर्म को इन्होंने ऐसे कैसे लिखा, देखते हैं। तो सी और ए क्या रिलेशन है, माइनस टू का है ना, सी थ्री और ये वन। ओ और पी की बात करें तो ओ के जस्ट बाद पी यानी कि प्लस वन। एन और एल, एल अगर टू माइनस करें यानी कि एन 14 होता है और एल 12 होता है, तो माइनस टू। तो हमारे एक सीरीज बनती हुई हमें यहाँ पर दिख रही है, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। तो जी एफ और जी तो प्लस वन, तो ये हमारी सीरीज बन रही है, माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन और माइनस टू, ठीक है। अब पी से बात करें तो पी का कितना होता है सीरियल नंबर, 16 है ना, और माइनस टू की बात करें तो 14 हो गया यानी कि एन, और ई प्लस वन यानी कि ई के बाद एफ। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं एन और एफ स्टार्टिंग में एक ही ऑप्शन में, तो मैं पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट, क्या इसका क्वेश्चन मार्क की जगह इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हैं जे 25 के फिर डैश फिर एम फिर एन। तो हम देख पा रहे हैं कि जे के अगर यहां पर एल आ जाए एम एन, तो हाँ हमारी सीरीज है यानी कि हमारा जो डिजिट होगा, हमारा जो अल्फाबेट होगा वो एल होगा, ये क्लियर है। लेकिन नंबर क्या होगा, देखिए यहां पर है 25 यानी कि 5 स्क्वायर, 36 यानी कि 6 स्क्वायर, 64 यानी 8 स्क्वायर, और 81 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर। तो 5 6 यहां पे बीच में 7 मिसिंग है, तो 7 स्क्वायर यानी कि 49, राइट स्टूडेंट्स। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसमें हम मार्क कर सकते हैं, क्लियर। ओके नेक्स्ट, एम टी डी जे एन यू ई के, इसमें हमें नेक्स्ट फाइंड करना है। तो देखिए M के बाद N फिर O फिर P, तो क्या आना चाहिए, Q, खत्म, क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर Q D ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है, राइट। तो जब भी आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन से कि जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें साथ साथ ऑप्शन को भी माइंड में लेकर चलना है, ऐसा ना हम वेस्ट करके पूरा का पूरा वैल्यू निकालें और ऑप्शन में सिर्फ हमें फर्स्ट वाले से ही काम चल रहा है, राइट स्टूडेंट्स। ओके सो ये थी पूरी, एक मैंने 10 क्वेश्चंस आपको इसके कराए हैं, साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस का कंप्लीट सेट मिल जाएगा विद सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उन 25 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, राइट स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ एसएससी वी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस मिलते रहें आपको, और किसी अगर हम कोर्स की बात करते हैं तो वो भी आपको उसमें मिलता रहे। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।